हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन सॉल्यूशन इंडिया। मैं रुपेंद्र डोंगरे आप सभी के लिए 3ds मैक्स के आगे क्लास लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेलकम स्क्रीन है, इसे क्लोज कर देते हैं, स्क्रीन को बड़े कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने लाइन और कुछ मॉडिफायर्स देखे थे लाइन कमांड के। लाइन पर जाकर हमने लाइन का मॉडिफिकेशन देखा था। अगर हम लाइन क्रिएट करते हैं और देन मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्टेक्स सेगमेंट और एसपी लाइन का कुछ मॉडिफिकेशंस मिले थे। लास्ट क्लास में हमने सेगमेंट और एसपी लाइन का मॉडिफाई किया था, उसके पहले वाली क्लास में हमने वर्टेक्स का मॉडिफाई किया था। अभी की क्लास में हम कुछ मॉडिफिकेशंस और देखेंगे। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल है, आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि रेक्टेंगल क्रिएट करना, सर्कल क्रिएट करने पर या फिर एलिप्स कुछ भी हम क्रिएट करते हैं तो ये इसमें जो मॉडिफाई होता है, जैसे कि एलिप्स में हम लेंथ और विड्थ बस चेंज कर पा रहे हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में भी लेंथ और विड्थ चेंज कर पा रहे हैं, कॉर्नर को फिलेट कर पा रहे हैं। ये तीन ही ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। और रेंडरिंग पे हम इसे 3D में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सर्कल को हम रेडियस बस चेंज कर पा रहे हैं। अगर आप इन शेप में किसी भी शेप को क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, जैसे कि स्टार में आप स्टार की इनर और आउटर डायमीटर या रेडियस, पॉइंट्स, डिस्टॉर्जन, आप यहाँ से डिस्टॉर्जन चेंज कर सकते हैं, कितना डिस्टॉर्जन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, पॉइंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। रेडियस को फिलेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस थे, ये रैंडम ऑप्शंस थे जो डिफ़ॉल्ट इसमें दिए हुए हैं। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, इन केस कुछ बना रहा हूँ मैं, जैसे कि सपोज करो कोई टेबल बना रहा हूँ तो मैंने रेक्टेंगल लिया। आप देखेंगे ऐसा कोई सेक्शन मैंने क्रिएट किया, इसमें कर्व दे दिया सपोज करो साइड से, और इसे 3D में कन्वर्ट किया, इस पर जाकर एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड पे क्लिक कर मैंने इसे अमाउंट दे दिया कि मुझे 2 फिट हाइट चाहिए इसकी, या 1 फिट 6 इंच सफिशेंट रहेगी, 1 फिट 6 इंच मैंने यहाँ पर हाइट ले लिया। इसके ऊपर कोई कुशन वगैरह चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। इसके बैक साइड में भी अगर कोई रेक्टेंगल चाहिए तो मैं सपोज करो इसे मूव कर कर एक कॉपी करता हूँ, देन ओके करता हूँ और इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ, विड्थ कम कर लेते हैं इसकी, 6 इंच कर लेते हैं, लेंथ इसकी सेम यही रखते हैं, लेंथ का कोई इशू नहीं है, हाइट हम बढ़ा देते हैं एक्सट्रूड पर जाकर 3 फिट कर लेते हैं। इस तरह से बना है। टॉप व्यू पर जाने के लिए टी प्रेस करेंगे, देखेंगे इस तरह से, और आप इसे पास पास में रख देंगे। मैंने ऐसा कोई सेक्शन या फिर ऐसा कोई सोफा सेक्शन क्रिएट किया जिसे मैं यहाँ से डिफॉल्ट शेडिंग कर रहा हूँ। बट इसमें क्या है कि मैं साइड में कुछ लेग्स बनाना है, उसका कोई शेप देना है तो मैं इजीली क्रिएट कर पाता हूँ, जैसे लाइन से या रेक्टेंगल से। देखिए रेक्टेंगल क्रिएट किया मैंने कि इस साइज का मुझे कोई रेक्टेंगल चाहिए था, अब मुझे उसे कुछ चेंजेस चाहिए तो मैं इसे कैसे करूँगा वो बताते हैं। जैसे कि कोई शेप है हमारे पास, पहले इसे बाद में बताऊँगा, पहले इन्हें करता हूँ। ये सर्कल है, इसे मुझे एसपी लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो इसे कहते हैं हम एडिट एसपी लाइन। यहाँ पर मॉडिफायर पर जाकर एडिट एसपी लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स, सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो सेगमेंट, और एसपी लाइन पर क्लिक करेंगे तो एसपी लाइन का वही मॉडिफायर आ गया है जो हमारे पास लाइन में था। आप किसी भी वर्टेक्स को पकड़ कर कोई भी शेप चेंज कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इस वर्टेक्स को पकड़ कर या सेगमेंट को पिक कर कर आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। इस एसपी लाइन को पकड़ कर आप इसे स्केल या फिर कुछ भी लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा शेप इसे क्रिएट करना चाहते हो, किस तरह का आप इसे बनाना चाहते हो, इस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कोई शेप दे सकते हैं, देन उसके बाद इसे एक्सट्रूड कमांड लगाकर फिर से एक्सट्रूड कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस, हम ऐसे कर सकते हैं। इस वर्टेक्स को क्लिक किया, इसे भी हमें कन्वर्ट करना है इनकेस, तो हम इसे जाएंगे एडिट एसपी लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स पर वर्टेक्स मिल जाएंगी। इन वर्टेक्स को पकड़कर आप कोई भी शेप चेंज कर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा कुछ शेप चाहिए था, मैंने ऐसे क्लिक करा और यहाँ पर जाकर इसे एक्सट्रूड कर दिया, ये एक्सट्रूड हो गया। बाद में चेंज करना है तो मैं एसपी लाइन पर जाऊँगा, इस वर्टेक्स को पकड़ूंगा, थोड़ा साइज छोटा चाहिए मुझे, फिर एक्सट्रूड पर क्लिक करूँ। तो इस तरह से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप का कोई शेप चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं। एलिप्स को भी आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू पर जाइए और यहाँ से भी आप इसे एडिट एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एडिट एसपी लाइन में कन्वर्ट हो गया,
ये हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई शेप चेंज कर दिया, राइट क्लिक करा और यहाँ पर जाके इसे बीजर कॉर्नर किया और इसे कोई शेप चेंज कर दिया, यहाँ से इसका कोई शेप चेंज कर दिया। इस तरह से हमने कोई शेप दे दिया। आप इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर एक्सट्रूड कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से 2D को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं और कोई भी शेप चेंज करना है तो इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एसपी लाइन में क्लिक करेंगे आप एडिट एसपी लाइन, तो ये आपके पास सेगमेंट्स चेंज हो गए, वर्टेक्स चेंज हो गया और आप इसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसे सेलेक्ट करा आपने और इसे ऐसा अंदर मूव कर दिया, इस वाले सेगमेंट को सेलेक्ट करा आपने और इन दो सेगमेंट्स को और इन्हें बाहर सेलेक्ट करके बाहर मूव, कोई भी शेप आपको जैसा भी बनाना हो आप ऐसा शेप दे सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही मैं इसे बना रहा था तो मैंने इसे बताया, रेक्टेंगल पे क्लिक करा, यहाँ पे गए एडिट एसपी लाइन, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एक शेप चाहिए कि आपने इसे सेलेक्ट करा और इसे कुछ ऐसा शेप दे दिया। देखिए इस तरह का शेप चाहिए मुझे इस सोफे में, तो मैंने ये किया और इसे बना दिया। या फिर मैं इस साइड से भी ले सकता हूँ कि मुझे ऐसा कोई शेप चाहिए था, मैंने ऐसा शेप दिया, थोड़ा सा ऐसा शेप चाहिए था, कुछ ऐसा शेप दिया, एक रैंडम शेप बना लूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ से जाकर एक्सट्रूड कर दिया। देखेंगे आप एक्सट्रूड हो गया, रोटेशन पे क्लिक कर 90 डिग्री ऑन कर मैं इसे इजीली रोटेट कर पाऊँ। यहाँ पे 90 नहीं है इसलिए सही से रोटेट नहीं हो रहा है, 90 टाइप करेंगे, क्लोज करेंगे और आप इसे रोटेट कर पाएंगे। इसकी थिकनेस हम यहाँ से 4 इंच की चाहिए तो 4 इंच की ले सकते हैं। अब इसे मूव करेंगे, मूव पॉइंट स्नैप ऑन, कौन से पॉइंट से चाहिए आपको, इस पॉइंट से उठाना है आपको, यहाँ रखनी है, आपने रख दिया। इसके बाद इसको शेप चेंज करना है, सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स पर आएंगे, अभी मुझे कितनी वर्टेक्स चेंज करनी है, 3 वर्टेक्स को स्नैप ऑफ और मैंने ऐसे हाइट दे दिया, इन दो वर्टेक्स को सेलेक्ट करनी है, इन्हें मूव करके बाहर कर दिया। ऐसा कोई शेप चाहिए था, मैंने ऐसा शेप दे दिया और थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, थोड़ा हाइट देते हैं, इन केस ऐसा कुछ हाइट चाहिए, ये रखा और एक्सट्रूड पे क्लिक करा। आप देखेंगे ऐसा मैंने इस पे शेप क्रिएट कर दिया। एसपी लाइन पर क्लिक कर आप इस पॉइंट को भी पास में ले जाकर छोटा या बड़ा कर अपने यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक करके सॉलिड हो गया। ऐसे इसे कॉपी करेंगे शिफ्ट के साथ और आप इधर लगा सकते हैं। उसे कोई शेप देना है तो आप इजीली लाइन से 2D से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था कि 2D को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से आप 2D को 3D में और मॉडिफाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D वाले शेप को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और कि हमें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है मॉडिफायर एडिट एसपी लाइन, उसी तरह होता है हमारे पास स्वीप। सपोज करो हमने हेलिक्स कुछ बना लिया है, इस तरह का हेलिक्स है हमारे पास, उसमें कुछ टर्न्स बना लिए हैं, देखिए इस तरह का टर्न दे रखे। हमारे पास कोई लाइन है, लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का। इस पर कोई शेप बनाना है जैसे कि स्टार शेप बनाना, आप स्टार बना सकते हैं। आपको एनगॉन बनाना है, आप एनगॉन बना सकते हैं। या फिर किसी भी शेप पर रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल पर मुझे कोई शेप देना है तो मैं ऐसे शेप दे सकता हूँ। जैसे कि कोई रैंडम शेप बनाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, ये ऐसे मैंने कोई शेप क्रिएट किया, इस तरह का मैंने कोई शेप दिया, यहाँ पे क्लिक करा और इसे जाकर क्लोज कर दिया। देखिए ये क्लोज हो गया। इस पर जाएंगे मॉडिफायर पर, सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स स्नैप ऑन करेंगे और हम इसे स्नैप करके इसके बराबर पर रख देंगे। इस तरह का हमने कोई शेप दिया। नीचे आएंगे, यहाँ से फिलेट लेंगे और हम इसे फिलेट करके कुछ कर्व शेप दे देंगे, इस तरह से हमने कोई कर्व्स क्रिएट कर लिए। इसमें कर्व बनाने के बाद आपको शेप देना है। ओके, ये हमने कोई शेप बना लिया। अब इसी शेप को मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर चलाना है तो मैं बताऊँ के बताऊँगा आपको कैसे होता है। अभी केस इन केस हमने कोई लाइन लिया है, ये लाइन है, इसे सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर पर जाकर यहाँ पर स्वीप लगाते हैं, SWEEP स्वीप, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस पर कोई एंगल सेक्शन बन गया। एंगल सेक्शन क्या, एल शेप को एंगल सेक्शन कहते हैं, आप देखेंगे एल शेप है। यूज बुल्ट इन सेक्शन में आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज है, बार में जाएंगे तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, चैनल पर जाएंगे तो सी सेक्शन हो जाएगा, सिलेंडर पर जाएंगे तो सर्कुलर, हाफ राउंड करेंगे तो हाफ राउंड होगा, पाइप करेंगे तो पाइप बन जाएगा, क्वार्टर राउंड करेंगे तो क्वार्टर राउंड हो जाएगा, टी करेंगे तो टी। इनमें से कोई भी शेप आप यहाँ से ले सकते हैं। इनकेस आपको इनमें से कोई शेप चाहिए जो हम क्रिएट कर चुके हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूज़ कस्टम शेप पर जाना होगा, देन पिक पर क्लिक करना होगा और इसे चेंज कर पाते हैं। देखिए
अगर हमने इंस्टेंस कराए तो आप देखेंगे अगर मैं इस शेप को कुछ भी चेंज करता हूँ तो उसमें मेरे साइज भी चेंज होगा जो मेन साइज है, और अगर मैं इंस्टेंस नहीं करता हूँ, पिक करता हूँ कोई और ऑब्जेक्ट को कॉपी कर कर तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्टार शेप हो गया। अगर मैं स्टार को सेलेक्ट करके कुछ भी इसमें चेंजेस करूँगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप का बना सकते हैं। जैसे ये वाला शेप भी चाहिए उस पर, तो आपने देखा ये शेप उस पर आ गया। इस तरह से आप कोई भी शेप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर पाते हैं। इंस्टेंस करेंगे तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा और उस पर शेप आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंस करा, पिक करा और अभी इसके ऊपर मैंने स्टार शेप लगा दिया या एन वॉल लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं हेलिक्स पे यूज़ करना चाहता हूँ तो हेलिक्स सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे स्वीप लगाना होगा और देन आप देख सकते हैं यहाँ से सेक्शंस कोई भी ले सकते हो आप, या फिर कस्टम पर जाकर पिक कर कर कोई भी शेप यहाँ से दे सकते हो। जैसे स्टार इस पर है तो एनगॉन इस पर बना दिया, तो देखिए एनगॉन वाला शेप हेलिक्स पर आ गया। इसी तरह से रेक्टेंगल पर क्लिक करा, यहाँ पर स्वीप लगाया और स्वीप पर क्लिक कर कर आप इसे पिक कर कर ये वाला सेक्शन इस पर दे सकते हैं। तो इस तरह का शेप आकर आपको देना है तो हम यहाँ से यूज़ करके बना देते हैं। स्वीप पैरामीटर में कुछ ऑप्शंस और हैं, आप इन्हें मूव कर कर अंदर बाहर इधर उधर या फिर ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं अलग अलग टाइप का, आपको जो भी देना हो इस टाइप से आप दे सकते हैं। मिरर कर सकते हैं, अंदर साइड दिखाना है, अंदर साइड बॉटम में दिखाना है तो आप यहाँ से मिरर करके भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्वीप, इस तरह से हम स्वीप यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक लेथ होता है, लेथ कमांड किस तरह से यूज करते हैं ये भी बता देता हूँ। इस प्लस मार्क पे क्लिक करेंगे, लाइन लेंगे, लाइन से कोई शेप क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन, फिर देन एक इस तरह का लाइन और एक ये मैंने ऐसा लाइन क्रिएट किया, ठीक है। एक ये लाइन क्रिएट करने के बाद इसे सेलेक्ट करके मॉडिफायर पर जाकर लेथ कमांड यूज करेंगे, LATHE लेथ। जैसे ही मैंने लेथ पर क्लिक किया तो देखिए कुछ लेथ से ऐसा गोल राउंड हो गया। वेल्ड कोर मतलब ये कॉर्नर कोर वेल्ड करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर। अगर मैंने ये वेल्ड कोर हटा दिया तो यहाँ पर वेल्ड नहीं होता है सेंटर में, और वेल्ड कोर कर दिया तो ये वेल्ड हो जाता है। जब फ्लिप नॉर्मल आउटर साइड बाहर, बाहर का आउटर फ्लिप हो जाता है। इसमें सर्फेसिस फ्लिप कर सकते हैं, सेगमेंट बढ़ाकर आप स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं, कैप हटा सकते हैं, स्टार्ट कैप एंड कैप अगर लगे हो तो। एक्स एक्सिस पर इस तरह से बनेगा ये, वाई एक्सिस पर इस तरह से, और जेड एक्सिस पर इस तरह से क्रिएट होगा। आपको जिस भी एक्सिस पर चाहिए आप उस एक्सिस पर क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम पर इस तरह, सेंटर पर इस तरह, और मैक्सिमम में कुछ इस तरह का आपका शेप बनेगा। देखिए इस तरह का आप शेप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। लेथ पर जाकर एक्सिस पिक कर कर आप इसका साइज और शेप भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। कोई भी आप सेक्शन बना रहे हैं तो आप इस तरह से चेंज कर पाते हैं। और भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि लाइन कमांड लिया, स्मूथ लिया, कॉर्नर लिया और कुछ शेप बनाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया, स्विफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन, यहाँ जाकर ऐसा कर ऐसे कुछ कर दिया मैंने, और स्ट्रेट लाइन देकर एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन बनाए, मॉडिफाई पर जाकर इसे लेथ करेंगे, LAT और एंटर। ये देखिए वाई जेड एक्स, मैक्सिमम मिनिमम सेंटर मैक्सिमम, आप इस तरह से बना पाते हैं कोई भी शेप, क्लियर है। मैक्सिमम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। इनकेस आपको सीधा से ही बनाना तो आप फ्रंट व्यू पर जाइए एफ प्रेस करके और आप ऐसे बना सकते हैं। लाइन कमांड लाइन, कोई ग्लास बनाना मुझे तो मैंने यहाँ से लिया यहाँ तक, अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट, फिर कॉर्नर और देन स्ट्रेट लाइन। ये मैंने एक शेप दिया, मॉडिफायर पर गए, यहाँ पर क्लिक करके लेथ यूज़ किया और लेथ पे क्लिक करा तो देखेंगे आप ये लेथ क्रिएट हुआ। यहाँ जाके डिफॉल्ट शेडिंग और मैक्सिमम पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ये कोई सेक्शन क्रिएट हुआ। इसमें एक्सिस पिक कर कर स्नैप ऑफ कर कर आप ग्लास को ग्लास जैसा बना सकते हैं। इस तरह से मैं इसे ग्लास में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, क्लियर है। इसमें हम थोड़ा सा थिकनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हुआ। फ्लिप करेंगे तो फ्लिप नॉर्मल हो जाएगा, आप इस तरह से ग्लास क्रिएट कर पाते हैं। इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन आपको चाहिए आप फ्रंट व्यू पर आएंगे और कुछ बनाना है, आप इजीली राउंड शेप की कुछ चीज़ें बनानी है तो बना सकते हैं। स्विफ्ट प्रेस किया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, मैंने एक फ्लावर पॉट बनाना है तो ऐसा कोई टाइप का आपको फ्लावर प्लॉट चाहिए, पॉट चाहिए, मैंने क्लिक करा, एस्केप प्रेस किया, मॉडिफायर पर गए और लेथ यूज़ किया, देखिए, और इसे मैक्सिमम पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा पॉट क्लियर हो गया।
ये कोर वेल्ड करने का ऑप्शन बोल रहा था मैंने, यहाँ से कोर वेल्ड होता है, ये देखिए कोर वेल्ड हुआ तो ये क्लोज हो गया। इस तरह से आप कोई भी एक्सन बना सकते हैं, लेथ पर जाकर एक्सिस पिक कर इसका शेप कम या ज्यादा कर सकते, इस टाइप का कोई शेप देना है, इस टाइप से कोई शेप देना है तो आप इजीली क्रिएट कर पाए। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, ये था स्वीप, लेथ और कुछ मॉडिफाई एडिट एसपी लाइन। आगे आने वाले वीडियो में और कुछ चीजें हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।